वॉल पे जो पेंटिंग्स की गई है ना, वो लाजवाब है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। हम लोग आज पटना के आर्ट कॉलेज आए हैं, और यहाँ पर देखिए आर्ट कॉलेज है, और हम इसके अंदर चलेंगे। इसके अंदर आने के बाद आपको एक अलग सा ही एहसास होता है। देखिए क्या है कि मुझे ज़्यादा आर्ट के बारे में पता नहीं है, लेकिन कलाकारों की इज्जत में बहुत करता हूँ, तो आज सोचा क्यों ना आपको पटना के आर्ट कॉलेज में अंदर जा कर के दिखाएँ कि क्या कुछ है, क्योंकि मैं खुद आज पहली बार आया हूँ। जैसे ही आप आर्ट कॉलेज के अंदर आएंगे, तो सबसे पहले आपको ये कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को लगाया गया है, बहुत ही प्यारे अंदाज में। और इसके बाद जब आप और अंदर जाएंगे, तो आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर ये सब कुछ जो लगाया गया, सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ पर जो कैंपस है, कैंपस के फ्रंट में ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक प्रतिमा लगी हुई है। हम आपको वो भी दिखाते हैं अभी। तो ये देखिए, ये बापू की प्रतिमा है यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पर गौतम बुद्ध की भी बड़ी सी प्रतिमा देखने को मिलेगी। हम वहाँ भी चलते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे आपको। और कला के बारे में शायद मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन कला एक ऐसी चीज़ है जिसकी इज्जत सभी को करनी चाहिए, और आजकल के डेट में कलाकारों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। देखिए ये भी एक प्रतिमा बनी है, ये हमारे देश के जवान हैं जो बॉर्डर पर शायद कुछ इसी तरह से तैनात रहते होंगे, हाथ में गन है और तैनात है वहाँ पर। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ ही साथ जो वॉल पे जो पेंटिंग्स की गई है ना, वो लाजवाब है, क्योंकि पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत अंदाज में हुई है यहाँ पर कि उसके बारे में हम बता नहीं सकते। फिलहाल आप जो कैंपस की तस्वीर देखिए, उसके बाद हम अंदर चलेंगे और आपको अंदर भी दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर में है। तो आपने विजुअल देख लिया, यहाँ पर हमारे एक व्यूअर है, क्या नाम है भाई आपका? चंद्रभूषण। चंद्रभूषण भाई हाय कर दीजिएगा। अच्छा, तो अश्वनी भाई भी है यहाँ पर? हाँ, ये हमारे नेता। अच्छा, नेता है, चलिए कोई बात नहीं। एंट्रेंस पे जब आएंगे तो इस तरह के आर्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए जो गेट है, इसके ऊपर कितनी प्यारी पेंटिंग की गई है, इस साइड में पेंटिंग हो रही है। और भाई आपका क्या नाम है? सुबोध कुमार। हमारे साथ एक और भी हो रहे हैं यहाँ पे, इत्तफाक से आर्ट कॉलेज आने के बाद अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? बसंत भाई। ये रंगोली बना रहे हैं? ये मेन हॉल है नहीं? ये आपका? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो प्रतिमा है राधा मोहन जी की, इन्होंने कॉलेज की स्थापना की थी। ये पूरा इंटीरियर है देखिए आप आर्ट कॉलेज। मेन हॉल आप कॉलेज कैंपस के अंदर चलेंगे, तो जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको फील होगा कि आप कोई ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर वाकई में बहुत ही ज़्यादा कलाकार हैं, और यहाँ पर कला की बहुत इज्जत भी की जाती है। यहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है यहाँ पर, जिनकी प्रतिमा यहाँ बनी हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। और जो वॉल पर जो पेंटिंग की गई है ना, उसमें बहुत सारे मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। इस साइड में वहाँ पर वॉल पे पेंटिंग है बहुत सारी। हम अभी अश्वनी भाई के साथ चलेंगे और जानेंगे, पहले थोड़ा सा कैंपस का विजुअल आप देख लीजिए। यहाँ पर एक और कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है जो अभी शायद बन रहा है, हम यहाँ से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ये क्या है? ये सर अच्छा, मतलब आप लोग इसके थ्रू दिखाना क्या चाह रहे हैं? हम लोग इसमें दिखाना पर्यावरण चाह रहे हैं कि जो हमारा जंगल वगैरह का जो कटाई वगैरह हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें से हमारे जीव जंतु
मनुष्य लोगों को क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है जंगलों में, और जितने भी पहले जो ग्रीनरी हुआ करती थी उसको जो ख़त्म किया जा रहा है। तो अगर पेड़ से ही ज़िंदगी है, क्यों भाई, पेड़ से ही ज़िंदगी है, और अगर पेड़ ख़त्म तो सब ख़त्म, यही मैसेज है ना आप लोग का। ये यहाँ पर जब हम लोग आर्ट कॉलेज के अंदर आ गए हैं पूरे कैंपस में, यहाँ पर वो जो पेड़ दिखलाया उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है कि वॉल पेंटिंग की गई है, और सभी वॉल पेंटिंग कुछ ना कुछ कह रही है। यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं, मुझे आर्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है लेकिन कलाकारों की इज्जत थोड़ा करता हूँ मैं, जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पर उनसे हम बातचीत करेंगे। ये सारी पेंटिंग आप लोगों ने बनाई? नहीं, ये क्या है एक्चुअली? मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट, क्या कह रही है तस्वीर? इस पेंटिंग का नाम है द गर्ल फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। ये लड़की मतलब सारे प्रॉब्लम से फ्री है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। इसे कोई भी नियम कानून नहीं, लाइक रोक टोक होता है वैसा कुछ भी नहीं है। ये फिर ये अपने मन का करती है, ये अपने मन का करती है। अच्छा, ये देखिए, ये वही वॉल पेंटिंग है जो ये पूरे आप सब ने मिलकर बनाया नहीं? चलिए फिर, यहाँ पे और भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। ये मधुबनी पेंटिंग है ना? अच्छा, कौन सा आर्ट है ये? टिकली। ये कहाँ गया? ये बिहार का आर्ट। बिहार का। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अंजलि शर्मा। ओके, अंजलि मैम ने इसे बनाया है। हमारे साथ ज्ञानदीप है, इन्होंने ये वॉल पेंटिंग की है खूबसूरत सा। क्या है ये पेंटिंग, थोड़ा इसे एक्सप्लोर करें। साथी का स्तूप है। अच्छा, बौद्ध भगवान का बताया गया जन्म के बारे में, बच्चा से लेकर मतलब पूरा बड़ा तक। ज्ञान भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को लग रहा था देख के आप नहीं बनाई होगी क्योंकि क्या नाम हुआ पहले आप? नाम देवराज चौधरी। देवराज चौधरी हमारे साथ, आप आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट हैं? ओके, ये एक्चुअल में इसकी मूवी मैंने देखी थी। या ये 2019 की मूवी है, जो उनको जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक वो जो स्टेयर्स वाला डांस भी बहुत फेमस है। या वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, ये वन ऑफ माई इंस्पिरेशन है, ये सोचा कि कुछ किया जाए इनको लेकर। बिल्कुल, और भी यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स है। ये क्या है, ये कितने डेथ किसने बनाया? ये ग्राफिटी है। अच्छा, ये भी मेरे फ्रेंड्स ने बनाया है, मतलब एक फ्रेश मॉर्निंग जिसको कह सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? ये क्या है इस वॉल पे? दिस इज राधा कृष्णा। एक्चुअली यू कैन सी ओनली कृष्णा, ये उनका काम है। अच्छा, ग्रुप का काम है, बट मेनली ये कर रहे थे इसमें। क्या नाम हुआ आपका? अनिक। अच्छा, क्या कह रही है ये? एक्चुअली मतलब मॉडर्न टाइप की उसमें ग्राफिटी दिखाई गई है, स्ट्रीट और आर्ट जैसे होती है ना। चलिए यार, बहुत बहुत अच्छा बना। ये सारे अच्छा, ये आपने बनाई? अच्छा, ये क्या है एक्चुअली, ये लड़की क्या कह रही है? ये भी एक आर्ट फॉर्म है, म्यूजिक भी हो तो वो भी एक आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल, ये क्या है एक्चुअली? मॉडर्न आर्ट है, अंजलि ग्रेजुएशन की तरह मॉडर्न आर्ट, जिसमें मैंने कुछ को अलग से निकाला है। ओके, आर्टिस्ट अपने आप में एक अलग चीज़ होती है। क्या बना रहे सर आप? हॉबिट मूवी का ही कैरेक्टर हूँ, एनिमेशन। अच्छा अच्छा, हॉबिट मैंने देखी है, हॉबिट छोटे 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 जो होते थे ना। अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ? विक्रम नारायण। आपका? ये गौतम बुद्ध है ना? यस सर, गौतम बुद्ध। ओके, इसमें ये जो बेस्ट मटेरियल्स है, सारा वुड आइटम्स जो है और भी बहुत सारे, इससे स्टेज बनाया जा रहा है यहाँ पर। बात करेंगे आपसे, आपका क्या नाम हुआ? चिन्मय। चिन्मय, आपका मैम? पूरा लकड़ी से किया जाएगा। okay. उसके ऊपर इसको कलर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ब्लॉग करते पांडे सर मिले हैं हमारे साथ, सर एक बार हाई कर दीजिए सबसे। हेलो सर, मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहा था, क्या अगर मैं यहाँ पर आ गया तो पब्लिक भी आ सकती है देखने? अरे ये सारे लोगों के लिए भाई बनी, इसलिए है कि लोग आएँ और देखें। चलिए सर, नेक्स्ट ब्लॉग फिर बस इतना ही रहा आज के ब्लॉग में, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे लगा कि आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा दिखाना चाहिए, मुझे पता चला जैसे ही कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो मैं चला आया आपके लिए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका साहब, धन्यवाद।